यहाँ पर देख सकते हैं कि देखने में लगता है सब मुर्गी फार्म वाला जैसा। ये है क्या, इसमें किशमिश बनाया जाता है। यहाँ पर जितना भी खेती होता है सब देखिए, ये लोग यहाँ बेचता है। अनार है, अमरूद है, पपीता है। दोस्तों अभी हम लोग कुछ किलोमीटर आगे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खुला जगह है। ये देखिए 4 लाइन के पास में यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ा कर दिए है। दोस्तों हम यहाँ पे आए भी थे इसीलिए करके कि हमारे जितने भी पुराने जितने भी संस्कारों भाई लोग हैं सबसे मुलाकात होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हम लोग मंगल बेड़ा पहुंच चुके हैं। पिछला ब्लॉग में देखे थे आप लोग गोवा का लोडिंग है, तो हम लोग करीब 950 किलोमीटर सफर कर चुके हैं। अभी 370 किलोमीटर का और सफर बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सामने टोल टैक्स से। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक चीज़ अच्छा लगता है क्या कि देखिए नाश्ता पानी का दुकान, चाय का दुकान, और बगल में देखिएगा आपको टॉयलेट रहता है। तो ये टोल टैक्स वाला तरफ से था टॉयलेट वगैरह, और डेली साफ़ सुथरा होता है, पानी वगैरह आदमी भी रहता है, बहुत अच्छा लगता है इधर साफ़ सुथरा। बहुत सारे स्टेट में देखे हैं कि मतलब बनाने का तो बना दिया टोल टैक्स वाला, लेकिन उसमें पानी नहीं है, कोई देखने वाला सेवा करने वाला नहीं है, ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा डेली साफ़ होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग भी जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ का तो पोहा पपड़ी यही सब भी ज़्यादातर मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नाश्ता करके यहाँ तुरंत मुझे निकलना भी है। दोस्तों हमारा देखिए नाश्ता आ गया है, और पोहा तो नहीं था, खत्म हो गया, बोला पोहा फिर बनाना पड़ेगा। तो हमको अभी जल्दी निकलना भी है, तो उतना टाइम नहीं था, तो हम लोग चलिए यही मंगा ली नाश्ता में, इसको पूरी भाजी बोलते हैं। ये पार्ले जी बिस्किट दो दे दीजिए, ये वाला कितना हो गया अपना। दोस्तों नाश्ता का तो निकल गए थे, और इस रूट पे हम पहले भी कई बार आए हैं, तो ये हमको सामने एक किला दिखता है। तो दोस्तों ये किला देख के लग रहा है कि पहले कितना अच्छा लगता होगा, बगल में नदी होगा, नदी पूरा भरा पूरा होगा, अभी तो खैर पानी हर जगह बढ़ जाता है, तो कितना शानदार जगह। अभी तो बेचारा अभी तो बहुत टूट फूट गया है, ये सब देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन किला का पहचान दूर से ही लगता है, उसका दीवार का मोटाईपन और जो दीवार वगैरह जिस टाइप का बना हुआ है, अभी तो खैर बनता नहीं है सब। दोस्तों किला तो देख लिए, अब चला जाए यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग कुछ किलोमीटर आगे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खुला जगह है। ये देखिए 4 लाइन के पास में यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ा कर दिए है, तो खाना वाना बना रहे हैं अभी। ये देखिए पापा खाना बना रहे हैं। दोस्तों मेरे गाड़ी में गोभी आलू मटर पड़ा हुआ था, तो हम इसको लेकर के बना ले रहे हैं क्योंकि खराब ना हो जाए, क्योंकि हम तो अगर खरीदते हैं तो उसको बनाते हैं कि खराब ना हो। तो आज का हमारा खाना यही बन रहा है, और हम जिस जगह पर खड़े हैं पूरा खुला जगह फाँका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जिधर देखते हैं कोई ना कोई मतलब ऐसा चीज़ का जो खेती हो रहा है जो हमारे एरिया में नहीं होता, जैसे सामने में अंगूर का खेती है, बगल में इधर देखेंगे तो अनार का है, इधर देखेंगे तो पपीता का है, पीछे देखेंगे करेला का है, इधर तो अपना गन्ना का ही है, उसके बाद फिर अमरूद का भी बगान कई जगह देखेंगे, अमरूद का भी खेती हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ना हम लोग के एरिया में नहीं होता, ये सब एरिया हमारे उधर धान गेहूँ सब्जी ये सब होता है। चलिए ठीक है, बहुत आनंद लग रहा है बैठ करके, हम भी यहाँ बैठे बैठे खाना बना ले रहे हैं। तो प्याज को भूनने के बाद हम गोभी को डाल देते हैं, क्योंकि गोभी थोड़ा सा ऐसे तो कई बार ऐसा भी होता है कि खाली गोभी को तल के भी निकाल लेते हैं बाहर, लेकिन अभी वैसा नहीं कर रहे हैं, अभी प्याज के साथ में इसको भून ले रहे हैं, उसके बाद फिर आलू मटर अपना डाल के बनाएंगे इसको। दोस्तों हमारा खाना तो बन गया, लेकिन अभी हम लोग खाना खाए नहीं है क्योंकि अभी भूख नहीं लगा, नाश्ता कर लेते हैं तो फिर खाने का मन नहीं करता है, तो वो रखा हुआ है करीब 2-3 बजे के आसपास फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो अभी निकल गए हैं, ये देखिए खाना इधर साइड में रख दिए हैं। और दोस्तों इधर तो इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है, इसलिए खाना भी पूरा गर्म था ना, इसलिए हम लोग नहीं खाए, सोचे थोड़ा दूर चल लेंगे और खाना भी ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे, मतलब बहुत गर्म लग रहा है इधर, और गाड़ी तो पूरा गर्म हो ही जाता है। ₹50, अरे अमरूद 100 रुपया केजी। यहाँ पर जितना भी खेती होता है सब देखिए ये लोग यहाँ बेचता है, अनार है, अमरूद है, पपीता है, उसको क्या बोलते हैं उसको, वो पीछे वाला को खरबूज। अभी तो गर्मी उतना पड़ा नहीं है, खरबूज आ गया, गर्मी नहीं, एकदम मीठा है। इसको केंद्र क्या बोलते उसको, क्या चीकू चीकू। अच्छा ये पहले वाला है क्या, हम अंगूर कि अभी आ गया, अंगूर आ गया, चलो अंगूर भी आ गया। अरे ये कैसे अनार, 100 रुपये केजी। दोस्तों अभी अमरूद ले लिए हैं, और पपीता तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। और ये भी है, सीताफल भी बोलते हैं, शरीफा भी बोलते हैं, लेकिन वो अभी ले नहीं रहे हैं, वापसी में लेंगे, घर के लिए भी लेना है, और आएंगे तो अनार भी लेंगे घर के लिए। ये कितना दिन रह जाएगा, ये 100 रुपये केजी ना कितना दिन रह जाएगा गाड़ी पे, 10
हाँ 10-20 दिन बोलता है, है? दोस्तों ये सांगोला एरिया आता है। सांगोला एरिया में क्या है कि मतलब कि फल वगैरह ये सब जो है, और गाड़ी भी बहुत लोड होता है यहाँ। यहाँ से गाड़ी लोड हो गई, पीछे ट्रांसपोर्टिंग का भी एरिया है, बहुत सा गाड़ी खड़ा रहता है, और यहाँ से माल अपना बंगाल, झारखंड, बिहार, अनार है, अंगूर है, ये सब सब जाता है यहाँ से। तो अभी तो उतना मतलब खुल के नहीं आया है, अभी अंगूर जो छोटा छोटा है, अभी अनार का भी उतना नहीं, लेकिन गर्मी आते आते ये सब पूरा तेजी आ जाएगा। तो हम लोग भी ले लेते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। पूरा दुकान देखिए, जितना यहाँ किसानी लोग हैं, रोड साइड में भी लगा कर रखता है सब, और सब ऐसे ही बेचता है ड्राइवर लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अब आगे। दोस्तों अभी हम नागज आ चुके हैं, नागज फाटा, जहाँ पर देखे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ी पर पंखा लगा रहता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि देखने में लगता है जैसे मुर्गी फार्म वाला जैसा, वो मुर्गी फार्म वाला नहीं है। ये है क्या, इस पर किशमिश बनाया जाता है। अभी अंगूर का टाइम आ रहा है, और ये ऊंचाई पर पहाड़ पर भी है, तो यहाँ पर थोड़ा हवा भी लगता है। मतलब मुसारी जैसा जाल बिछा के उसके ऊपर जितना भी अंगूर है, पीला पीला जो अंगूर आता है, सब वो सुखा देता है, उसमें हवा लग लग के वो पूरा अपने आप सूख के किशमिश बन जाता है। फिर यहाँ से किशमिश बन के डब्बा में पैक होकर के अपना फिर बाहर जाता है। ठीक है, हम नागज फाट आ चुके हैं, देख सकते हैं नज़ारा भी कितना अच्छा लगता है इधर का। ये ऊंचाई पर थोड़ा है, यहाँ ठंडा ठंडा हवा भी लगता है, उतना गर्मी का एहसास यहाँ पे नहीं होता है। और ये पहाड़ के ऊपर जो पंखा लगाए वो तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, और आप लोगों को भी आइडिया हो चुका है कि इससे बिजली पैदा होता है, बिजली पैदा करके किसानों को यहाँ पे दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में उतना पानी नहीं है जो पावर प्लांट रहे, ऐसे ही खेती किसानी के लिए पानी हो जाए इतना बहुत है, तो यही सबसे यहाँ पर खेती किसानी होता है। बहुत हरा भरा जगह तो है, पहाड़ी एरिया भी है, और यहाँ पर एक चीज़ भी और क्या अच्छा लगता है कि खुला खुला घर है एकदम, एक घर के बाद फिर कई खेत के बाद फिर घर मिलता है, क्योंकि खेती किसानी बहुत रहता है, खुला खुला घर देखने को मिलता है। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं, और अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। टाइम तो हो गया, ऐसे भी भूख लगा नहीं था इसी को लेकर, और अमरूद भी खा लिए थे एक एक। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहा है, और हम लोग लगभग मिरज के आसपास पहुंच गए हैं। यहाँ से मिरज जो है वो अभी चालू होने वाला है, और ये भी सुने कि नया वाला ब्रिज बन गया है, तो आप तो नो एंट्री लफड़ा रहा नहीं। पहले नो एंट्री का समय था कि नीचे से आपको जाना बाजार होकर तो नो एंट्री लगता था, अब तो 4 लाइन बन गया बाहर वाला। उस समय हम जब चल बन रहा था, अभी हमको ड्राइवर भाई लोग बताया हमारा वो चालू हो गया, टेंशन नहीं है, अब जा सकते हो सीधा सीधा। और हमारा क्या है कि उसी ब्रिज से ही रास्ता कटना था, अपना चिकोड़ी होके वह जाना था, लेकिन क्या है कि हमारा वहाँ पर पम्प में जो है जयसिंहपुर में, वो पम्प में हमको जाना है, वहाँ हमको मिलना है अपने दोस्त यार से, और कुछ पुराना यादें भी ताज़ा करना है, और हमको आज रात में हम वहीं रुकने वाले हैं, वहीं रुकेंगे, वहाँ से सुबह चलेंगे वहाँ से। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुका है, और हम मैदनाइट पम्प में आ चुके हैं, जिस हिसाब से हम बताया था ब्लॉक में कि हम आने वाले हैं जयसिंहपुर मैदनाइट पम्प में, तो आगे थोड़ा एक घंटा लेट हो गया, क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा था, उसके लिए लेट हो गया। तो हमारे काफ़ी भाई लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सर आप लोगों को नमस्कार, हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, हम वैसे आप 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, कोई 4 बजे से, तो ये सब सुन के तो ये लगता है नहीं आते दिक्कत हो जाता फिर, इस लेकर के हम ब्लॉक में बता दिए थे पहले ही, पहले बताते तो आज का वीडियो दोपहर में देखा मैंने, मैं कोल्हापुर से आया, यहाँ से कोल्हापुर से आ रहे हैं भाई, कोल्हापुर से आए हम, मिरज से आए, चलिए बहुत अच्छा लगा। और भी देखिए पम्प वाला जो है इससे मेरा बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, समझ गए ना, जब वो गाड़ी चलाते थे तब से हम रुके, आप लोग देखे पुराना ब्लॉक में, हाँ देखा है, देखा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, 15 अगस्त भी मनाया यहाँ पर, बहुत जलेबी खाए यहाँ पर, जलेबी भी खाए बहुत यहाँ पर, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। थैंक यू पिछला तो वो लोग भी आए थे, वो लोग मिलके गए, और भी सब आए हुए मिलने के लिए। नमस्कार भाई, नमस्कार। और भाई 11 महीने बाद मिले, 11 महीने के बाद पूरा डेट याद रखा है, डेट याद है, फोटोग्राफ है हमारे पास। अच्छा, और डेली हम सब आपका ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू भाई उसके लिए। चलिए बहुत अच्छा लगे लोग सब मिल करके, और सब आ रहे हैं और भी लोग, आप बोले वापस की मारने के पे आप, हाँ बस आप ही लोग से मिलने के लिए आए थे कि भाई हम वही, मेरा रास्ता तो पीछे से ही था, हम 15 किलोमीटर इधर आए और फिर 15 किलोमीटर वापस जाएंगे, सिर्फ आप लोग से मिलने के लिए, पुराना व्यवहार है, मिलके ही जाना है सर। चलिए दोस्तों, जिस मकसद से हम यहाँ पर आए थे तो वो सब मेरा पूरा होते जा रहा है, सबसे मिलते जा रहे हैं, अभी और लोग भी आए थे, सब मिलके गए, और भी हमारा है पाटिल भाई भी आए हैं, ये देखिए संजय चौगलेज भी आए हैं यहाँ पे, तो ये कोल्हापुर से आए हमसे मिलने के लिए,
और ये तो ये है इनके साथ में है आपका संजय खबर और ये तो मेरे मदनायक पंप के मालिक है और ये तो अमूल भाई सबसे पुराना है सब। देखिए ये अमूल भाई और भाई ये सब भी कोल्हापुर से आ रहे हैं। चलिए इधर भी हैं आपका चौले साहब आपका बजरंग चोगले भी आए हैं। तो दोस्तों सबसे मिल लिए यहाँ पर और काफ़ी रात भी हो चुका है, रात का 10 बज चुका है। अब हम लोग अभी हम और अमूल भाई भी जाने वाले हैं बाहर, उसके बाद फिर आएंगे तो फिर हम सुबह निकलना भी है यहाँ से कि ज़्यादा रुक भी नहीं सकते, हमको जाना भी है गोवा खाली करने के लिए। तो जो हमारा मन था इन लोगों से मिलने का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आप कोल्हापुर से मिले दोस्तों। अभी सारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई थे सबसे मुलाकात हो गया और अच्छी तरह सबसे मिल भी लिए। कितना देर साल भर बाद आए होंगे? साल के बाद एक साल के बाद आए हैं तो सबसे मिल लिए। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका है तो हम लोग आ गए होटल में खाना खाने के लिए। तो ये तो अमूल भाई है पंप के मैनेजर और ये मदनायक पंप के मालिक भी हैं और ये तो होटल के मालिक है और ये भी सब साथ में लोग आए हुए आज खाना खाने के लिए। तो ठीक है, देख सकते हैं कितना वैरायटी खाने का, खाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, खाने का काम। चलिए ठीक है, खाना खाया जाए। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से। तो रात में क्या हुआ था कि काफ़ी लोग मिलने आ रहे थे तो उसमें हमको वो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, उसके लेकर हम रात में काफ़ी लेट में सोए थे तो अभी हम लोग निकले वहाँ से। दोस्तों यही हम रास्ता छोड़ दिए थे अपना जाने वाला बेलगाम जाने वाला, तो अभी हम उसी रास्ते पर जा रहे थे। लोकेशन लगा हुआ है, लोकेशन लगा दिए हैं। तो ये तो बाईपास बन गया है मिरज वाला, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि चलने में भी अच्छा लगा हम लोगों को, कोई भीड़ भाड़ नहीं कुछ नहीं, तुरंत पहुंच भी गए हम लोग जगह पे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से कटिंग होने वाले हैं, इधर से अपना कर्नाटक का रोड, कर्नाटक का बॉर्डर बगल में ही है, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर बॉर्डर है यहाँ से। दोस्तों यही वो कटिंग हो गया, ये ऊपर सीधा चला गया सोलापुर और हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने में राइट मुड़ेंगे तो अपना उधर कर्नाटक आ जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कर्नाटक का बॉर्डर, ये देखिए यहाँ से अब RTO डिपार्टमेंट स्टार्ट, यानी अब यहाँ से कर्नाटक आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से तो बॉर्डर आ ही गया, अब जा रहे बॉर्डर पे, यहाँ का भी जो सिस्टम वो करके आते हैं। दोस्तों अभी हम लोग कर्नाटक इन कर चुके हैं और अपना चिकोड़ी होके जा रहे हैं, चिकोड़ी बेलगाम होते हुए। तो सफर ज़्यादा रहा नहीं, अब यहाँ से 100-150 किलोमीटर सफर और है। तो अभी हम लोग पंप पे रुके हैं तो डीजल भी लेना है, आप लोग बताए थे कर्नाटक में सस्ता पड़ता है तो यहाँ ले लेते हैं, फिर अपना गोवा में देखेंगे। अगर गोवा में जरूरत पड़ेगा तो फिर लेके वापस आएंगे, गोवा में सस्ता मिलेगा तो वहाँ भी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा गोवा का, क्योंकि हम लोग तो आज तो शाम तक पहुँच ही जाएंगे लगभग। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।